नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे नेस्ले के बारे में। आप लोग न्यूज़ में बहुत सारी जगहों पर सुन रहे होंगे कि किस तरीके से नेस्ले के जो फूड हैं वो अनहेल्दी हैं। एक प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि इसके ज़्यादातर प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। अनहेल्दी और मिलावट में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। मिलावट मतलब किसी प्रोडक्ट में अननेसेसरी चीज़, ऐसी चीज़ एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा मिले हैं या कोई भी केमिकल, उसको हम कहेंगे कि वो मिलावट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अनहेल्दी बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को देने वाले प्रोडक्ट आपके चॉकलेट हो गए, या बहुत सारे ऐसे ब्रेकफास्ट के आइटम जो इंस्टेंट बनते हैं, तुरंत बनते हैं, या आपके विदेश हो गए, अमेरिका हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यहाँ पर मिलते हैं, उनका भी डेटा इकट्ठा किया गया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा, मतलब कुल मिलाकर बच्चों के लिए वो अनहेल्दी है। हालाँकि बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट में आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मैदे से बने होते हैं और ज़्यादातर शुगर कंटेंट का यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल का यूज़ होता है। नो डाउट कि वो केमिकल का यूज़ बहुत सारी जगहों पर होता है, बट उसका उपयोग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सब डेटा के आधार पर बात की गई है। ऑस्ट्रेलियन की एक संस्था इसकी रेटिंग करती है, जिसमें आपका 3.5 से ज़्यादा अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू है तो उसका मतलब वो हेल्दी है, और उसके नीचे है तो वो अनहेल्दी है। तो नेस्ले के काफ़ी सारे प्रोडक्ट में आपका अनहेल्दी रेटिंग मिली है। आशा करता हूँ दोस्तों अनहेल्दी टर्म्स को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसी तरीके के वीडियो के लिए, 2 मिनट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।